हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम लोगों का कार्बोक्जिलिक एसिड देखते हैं आज से। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड में आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्जिलिक में आपका ये कार्बोक्जिलिक एसिड जो है ये पार्ट हम लोग देखेंगे। देखिए ये कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक। अब कार्बोक्जिलिक एसिड में जैसे पूछ लिया जाता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, ठीक। इसको अगर एक्सपैंड करके अगर आप लिखते हैं तो इसी को आप इस तरीके से सी डबल बॉन्डेड ओ, सिंगल बॉन्डेड ओ, सिंगल बॉन्डेड एच, ठीक। तो ये हो जाएगा। कभी कभी आपको इसी को ऐसे भी देखने को मिल जाता है, ये C डबल बॉन्डेड O, तो ऐसे भी बना दिया जाता है। देखिए जरा सा ये यहाँ इस तरीके से C डबल बॉन्डेड O OH, ठीक ये है। और यहाँ पर कोई ग्रुप, यहाँ G, G में क्या क्या हो सकता है, तो G जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, इसी एरिल को आप फिनिल भी कह देते हैं, ठीक। ये सारे ग्रुप हो सकते हैं, तो देखते हैं वन बाय वन करके इसको। देखिए देखिए, कार्बन कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग एक कार्बोक्जिलिक फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्जिलिक एसिड्स। यानी कि ये जो COOH ग्रुप है इसी को आप कार्बोक्जिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्जिलिक फंक्शनल ग्रुप यही है। और ये जब जैसे किसी ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन है, एल्किल है, एरिल है, ठीक, इनके साथ जुड़ा होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम कार्बोक्जिलिक एसिड कह देंगे। द कार्बोक्जिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए कार्बोक्जिलिक ग्रुप जो है ना, इसमें ये क्या क्या है इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखें तो इतने को आप कह देते हैं कार्बोनिल ग्रुप और इसको आप कह देंगे एल्कोहलिक ग्रुप। तो यही बात ये कह रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है देखें, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये CO ग्रुप, ठीक, CO ग्रुप अटैच्ड टू दी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और ये आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो जाएगा। OH को आप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहेंगे, इतने को कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे, इसको आप कह देंगे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हेंस इट्स नेम कार्बोक्जिल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्बोक्जिल, ठीक। तो एक तो कार्बोनिल का कार्बो लिया गया है ना, और हाइड्रॉक्सिल का एक्स वाई एल लास्ट वाला नेम, इसलिए कार्बोक्जिल। जैसे आप लिखते हैं ना, ऐसे आप नोट करते हैं कार ये कार्बोनिल, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो इसमें आप ध्यान से देखें, ये कार्बो ये और इसका ये लास्ट, इन्हीं को ऐड कर देंगे तो कार्बोक्जिल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड्स में भी एलिफैटिक एलिफैटिक हो सकता है और एरोमेटिक एरोमेटिक, जब आप एरिल ग्रुप ऐड करेंगे तो एरोमेटिक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ग्रुप। ये ग्रुप पर निर्भर करता है कि वो एरोमेटिक होगा कि एलिफैटिक होगा, ठीक। और देखिए जैसे इसके साथ ये एल्किल आर एरिल अटैच्ड टू कार्बोक्जिलिक कार्बन, एल्किल या एरिल भी कार्बोक्जिलिक कार्बन से जुड़े हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचर, प्रकृति में बहुत लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में कार्बोक्जिलिक एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। सम हायर मेंबर्स ऑफ
एलिफैटिक कार्बोक्जिलिक एसिड्स जो हैं वो कार्बन नंबर 12 से कार्बन नंबर 18 जो होते हैं उन्हीं को आप फैटी एसिड कह देते हैं। क्या कहेंगे? फैटी एसिड कह देते हैं। जैसे आप देखते हैं ये C15, अभी इसी को अगर लिया जाए C15H31, 31 है ये H31 COOH, ठीक, तो इसको आप पामिटिक एसिड कह देते हैं। क्या है ये? पामिटिक एसिड है। पामिटिक इसमें एल साइलेंट है, पामिटिक एसिड, ठीक, तो ये पामिटिक एसिड है। तो ये फैटी एसिड की कैटेगरी में आएगा कार्बन नंबर 12 से कार्बन नंबर 18 के मिडल में, क्योंकि यहाँ 15 है तो इसके रेंज में है, ठीक। और देखिए ये अकर इन नेचर फैट्स एज एस्टर ऑफ ग्लिसराल। फैट्स जो है वो एक ग्लिसराल के फॉर्म में ये होते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड्स सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये और भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके भी ये क्या हैं, तो ये उसके जैसे हैं, जैसे सच एज एनहाइड्राइट, इसी के डेरिवेटिव आप कह सकते हैं, एस्टर और एसिड क्लोराइड्स, एमाइड्स। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे ये है कार्बोक्जिलिक ग्रुप, ठीक है, सी डबल बॉन्डेड ओ और ओ एच, ठीक। अब आप इसमें अगर आप ध्यान से देखें ओ एच ग्रुप, ये ग्रुप चेक करिए, इसी ग्रुप को अगर हम रिमूव कर दें और यहाँ ऐड कर दें क्या, ओ आर, ओ आर ऐड कर दें, तो ये आपका अब पूरा ओ आर के ऐड होते ही ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, एस्टर, क्या हुआ, एस्टर हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर आप सी डबल बॉन्डेड ओ और यहाँ आप ऐड कर देते हैं एन एच टू, तो ये एमाइड हो गया पूरा, ये क्या हो गया, एमाइड, ठीक, तो इसके डेरिवेटिव हैं एमाइड। ऐसे ही अभी अगर आप ई सी एन एच टू के प्लेस पर सी एल जोड़ दें तो फिर आपका एसिड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इनके ये डेरिवेटिव्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये नामन क्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्जिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्जिलिक ग्रुप का अब यहाँ देखें नामन क्लेचर और स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट तो पहले देख लेते हैं नामन क्लेचर, नामन क्लेचर क्या होगा। अब देखिए सिंस कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर एमंग्स द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर, नेचर से इसको सबसे पहले क्या किया गया था, इसको सर्वप्रथम सिंथेसाइज किया गया, मतलब इसको आइसोलेट कर दिया गया, आइसोलेटेड, यहाँ देखें आइसोलेटेड है ना, तो आइसोलेटेड यानी आइसोलेट किया गया, इसको अलग किया गया। और ए लार्ज नंबर ऑफ देम, ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाई देयर कॉमन नेम, है ना, इनके कॉमन नेम से जानते हैं। द कॉमन नेम एंड विथ द सफिक्स इक, इक एसिड, इक आई सी, इससे ये खत्म होता है। और आप देखेंगे इसमें एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, लैटिन और ग्रीक, ये लैटिन या ग्रीक से ये डिराइव्ड हुए हैं, ऑफ अदर नेचुरल सोर्सेस, और भी अन्य सोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें एग्जांपल के लिए आपको देखने को मिलेगा फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड जो है ये इसका फार्मूला ये है HCOOH, ठीक, ये फार्मिक एसिड है। ये क्या है कि जैसे आप देखें एंट एसिड भी इसे कहते हैं, वाज फर्स्ट ऑब्टेंड फ्रॉम रेड एंट, इसको लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। और लैटिन में देखें, लैटिन में इसका, इसको फार्मिका कहते हैं और इसका मीन्स ही होता है एंट। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH फ्रॉम विनेगर, लैटिन इसको एसिटम कहते हैं, इसका मीन्स विनेगर है, सिरका।
ऐसे देखिए ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूट वही चार कार्बन वाले, फोर कार्बन, फ्रॉम रैंसिड बटर, ब्यूटेरिक एसिड ये रैंसिड बटर यानी जो आपका बटर मक्खन है उसको रैंसिड करता है। और इसका लैटिन नेम आप देखें ब्यूटायरम है, क्या है लैटिन नेम ब्यूटायरम, मीन्स होता है बटर, इसका मीन्स क्या है बटर। इन दी IUPAC सिस्टम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड बाई रिप्लेसिंग द एंडिंग यानी लास्ट में जो ई है एंडिंग ई इन द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन विथ ओइक एसिड इन नंबरिंग द कार्बन चेन। पहले तो हम क्या करते हैं कार्बन का नंबरिंग करेंगे, जो चेन लॉन्ग चेन होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड वन, जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा जैसे ऐसे देखें जैसे CH3COOH है तो इसमें नंबरिंग अगर करेंगे तो ये इसका कार्बन जो है इसको वन नंबर देंगे इसे टू। ठीक तो ये एथ प्लस एन प्लस ओइक एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप द एल्किल चेन लिविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो ध्यान दे जैसे बहुत ज़्यादा अगर है एक से अधिक अगर है तो उसको नंबरिंग में हम क्या करेंगे देखिए ये है तो द एल्किल चेन लिविंग, एल्किल चेन जो है वो लिविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर वो एल्किल चेन को छोड़ करके है तो नंबर्ड एंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एग्जांपल देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर ऐसा दिया है तो आप इस तरीके से कर लेंगे, दिया जाए ये COOH, देखिए एक से ज़्यादा दो हो गया तो इसको आप क्या बोलेंगे ये तो ऑक्सैलिक एसिड है। और ऐसे नंबरिंग आप करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, ठीक तो टू कार्बन को आप बोल देंगे एथ और सिंगल बॉन्ड इनके मिडल में है तो एन, ई नहीं लिखेंगे ओइक, ठीक ओइक एसिड इस तरीके से एथेनोइक एसिड। ठीक ऐसे ही अगर आप इस ऐसा करते हैं जैसे CH2COOH और यहाँ CH2COOH तो इसकी नंबरिंग करेंगे वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन, ठीक तो फोर कार्बन है तो इसको आप ब्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसके मिडल में है तो एन और वन पर है और फोर पर है ना, वन और फोर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आप वन कामा फोर डाई ओइक एसिड। ठीक इस तरीके से आप इसका नामकरण कर देंगे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ऐसे ही अगर इस तरीके से होता है तब क्या करेंगे जैसे CH2 है यहाँ CH रहे और फिर CH2 और इन्हीं से ये COOH ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड रहे, ठीक COOH ग्रुप, तब इसका हम कैसे नामकरण करेंगे तो अब देखिए अगर आप नंबरिंग करते हैं यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो मिल जाएगा लेकिन ये छूट रहा है तो ये नंबरिंग सही नहीं मानी जाएगी, तो इससे बेटर है या तो सभी छोड़िए या तो सब नंबरिंग में आ जाएं, तो सभी को आप चाहे इधर से कर लीजिए सभी को आप छोड़ दीजिए चाहे आप इधर से कर लीजिए 1, 2, 3, ठीक तो इसको आप कहेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, जब हम इसके कार्बन को नहीं गिनेंगे तब कार्बोक्सिलिक बोलेंगे और जब गिन लेंगे तब तो ओइक कह देंगे, ठीक इसलिए यहाँ काउंट नहीं किए तो इसको हमें बोलना पड़ेगा प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन 1,2,3
ट्राई ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक। तो ये इसको बोल देंगे। तो इस तरीके से इसको जानते रहिए, प्रफिक्स सफिक्स क्या है, ठीक। ये इसका प्रफिक्स जो है कार्बोक्जिलिक है, जिसे आप कार्बोक्सिक भी कह देते हैं, और इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है। तो देखें यहाँ कुछ एग्जांपल दिया गया है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट देखिए आपका है ये फार्मिक एसिड, यहाँ लडी गिवन है, मेथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम। ये आपका है एसिटिक एसिड कॉमन नेम, आईयूपीएसी इथेनोइक एसिड। ऐसे ही यहाँ थ्री कार्बन है तो प्रोपेनोइक, प्रोपियोनिक एसिड है लेकिन प्रोपेनोइक इसका आईयूपीएसी, वैसे कॉमन नेम प्रोपियोनिक है, प्रोपियोनिक लेकिन आईयूपीएसी प्रोपेनोइक, ठीक। ऐसे यहाँ देखेंगे फोर कार्बन तो ब्यूटायरिक एसिड, और वैसे आईयूपीएसी ब्यूटेनोइक है ना, ब्यूटायरिक ब्यूटेनोइक, प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक, याद रखना। ऐसे यहाँ देखें टू यहाँ कार्बन थ्री फोर, तो अब हाँ एक ही कार्बन से इसी से दो सी एस थ्री ग्रुप ऐड है, तो इसको तो आइसोब्यूटायरिक एसिड कहेंगे, ठीक है। आइसोब्यूटायरिक कैसे कहेंगे देखिए, थोड़ा इसे देख लीजिए, इसको देखिए, जैसे ये है सी एच सी एच सी, यहाँ ऐड है सी एच थ्री और यहाँ सी एच सी एच थ्री, ठीक। और इधर सामने की तरफ है सी ओ ओ एच, तो इतने को आप कह देते हैं आइसो। और कितने इसमें देखिए कितने कार्बन अगर हैं, कार्बन कितने हैं, तो आप दो एक तीन, तीन अगर है तो तीन को आप क्या कह देंगे, यहाँ तीन कार्बन तो है ही लेकिन यहाँ ये भी कार्बन आप ऐड कर लेंगे ना, यहाँ देखें ये भी कार्बन ऐड कर लेंगे, तो तीन एक चार, टोटल क्या बोल रहे हैं इसको, आइसोब्यूटायरिक एसिड, क्या बोलेंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड इसको बोल दें, क्योंकि चार कार्बन हो रहा है। लेकिन आईयूपीएसी जब बोलेंगे ना तो वन कार्बन वहाँ है, ये रहेगा टू और ये है थ्री, ठीक। तब इसको आप बोलेंगे टू मेथिल प्रोपेनोइक एसिड है ना, टू मेथिल प्रोपेनोइक एसिड यहाँ देखें लिखा गया है। तो इस तरीके से, और ये अभी हमने ऑक्सैलिक का बताया ही, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैलोनिक एसिड है। एक इसमें आपको ये छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि जैसे ओम्स गैप, देखें ओम्स गैप, ये आपको कुछ एग्जांपल वैसे लर्न हो जाएंगे इससे। ओ से ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक कब रहता है देखिए, ऑक्सैलिक ये रहेगा जब जैसे आप सी ओ ओ एच और ये सिंगल बॉन्ड करके सी ओ ओ एच करते हैं, ठीक, टू कार्बन रहेगा, ये टू, ये है टू कार्बन रहेगा, ये थ्री कार्बन रहे, फोर कार्बन रहे, फाइव कार्बन रहे, सिक्स कार्बन और ये सेवन कार्बन, ठीक। तो अभी इसी के बीच में यहाँ मिडल में यहीं सी एच टू ऐड कर दीजिए, केवल सी एच टू, यहीं मिडल में कैसे ऐड करेंगे ये देख लीजिए, यहीं मिडल में रहेगा ये सी एच टू, सिंगल बॉन्डेड ऊपर नीचे ऐड, जैसे यहाँ देखिए इसी कैसे होगा, जैसे सी ओ ओ एच तो है ही, मिडल में यहीं सी एच टू ऐड कर दीजिए और फिर यही सी ओ ओ एच, तो इसी को आप क्या बोल देंगे, इसी को आप बोल देंगे मैलोनिक, मैलोनिक एसिड, ठीक है। देखिए दिया भी गया है यहाँ मैलोनिक, फिर सक्सिनिक, फिर देखें ये ग्लूटेरिक एसिड आ जाएगा, फिर एडपिक एसिड आ जाएगा, फिर ये पैमेलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, वही बीच में सी एस टू बढ़ाते रहिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसे आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, ठीक है, एडिपिक, इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। आईपीएसी नेम भी सिंपल है। एरोमेटिक देख लीजिए,
एरोमेटिक में जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बेंजीन रिंग से कार्बोक्जिलिक ग्रुप ऐड कर दिए तो बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक, बेंजोइक एसिड यही है। और ये इसका अगर IUPAC आप लिखना चाहें तो बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, क्योंकि बेंजीन इतने को कहेंगे और ये कार्बोक्जिलिक एसिड हो जाएगा, या इसको बेंजोइक एसिड IUPAC नेम इसका ये भी है। और इसमें आप ज़रा चेक करिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 से फेनिल ऐड है तो 2-फेनिलएथेनोइक एसिड IUPAC नेम हो जाएगी इसका। और वैसे फेनिल एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ से एक ये चहटा के एसिटिक एसिड से तब ये बना है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं फेनिल एसिटिक एसिड या एरिल एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये देखिए इसको, ये इसको थाइलिक एसिड कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तब ये टेरिप थाइलिक हो जाएगा। ये तो थाइलिक एसिड, ये थाइलिक एसिड तो है ही, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि COOH ग्रुप यहाँ और ठीक एकदम अपोजिट साइड COOH ग्रुप, तब इसको आप टेरिप थाइलिक एसिड कहेंगे, टेरिप थाइलिक एसिड, ठीक। और IUPAC इसका तो 1-2 है ही ऑलरेडी, बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड इसे कह देंगे। यहाँ देखें नोटेड है ये बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड, और जो टेरिप थैलिक है 1 उसको कहेंगे बेंजीन 1-4 डाइकार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये तो आपका थैलिक एसिड है, लेकिन अगर एकदम अपोजिट साइड अगर ऐड कर देंगे तब हो जाएगा टेरिप थैलिक एसिड, ठीक। सिंपल है, इसका नाम इन क्लेचर जानते रहिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इन कार्बोक्जिलिक एसिड्स द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्जिल कार्बन लाई इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में आते हैं, एंड आर सेपरेटेड बाई 120 देखें एंगल इसका, उस 120 पे ये सेपरेट होते हैं। तो दी कार्बोक्जिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो कार्बोनिल कार्बन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों है? बिकॉज दी पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर शोन बिलो, क्योंकि देखिए यही बात, लोन पेयर जो है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होते हैं ये कार्बन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप देखेंगे इसमें तो ये स्ट्रांग होता है, जल्दी ये ब्रेक नहीं होता, जैसे आप देखें इसमें ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे ये कार्बन है, इधर आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ही, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड OH है, लेकिन इसके पास लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है कार्बोक्जिलिक का। अभी आपको यहाँ डाइमर के फॉर्म में दिखाया गया होगा कहीं, अभी मिलेगा तो आप देखेंगे। अब यहाँ देखिए जरा कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स का IUPAC नेम आप बताएं। तो इसको आप होमवर्क के रूप में है, इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक। अब देखते हैं हम लोग ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड के ये मेथड्स देख लेते हैं, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल है, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, प्राइमरी एल्कोहल्स आप ले लीजिए या एल्डिहाइड ले लीजिए, तो इसको आप कार्बोक्जिलिक में चेंज कर सकते हैं। सिंपल, इसमें स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, प्राइमरी एल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड, प्राइमरी एल्कोहल तो बहुत जल्द ही वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्जिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन न्यूट्रल एसिडिक आर एल्कलाइन मीडियम, चाहे न्यूट्रल लीजिए चाहे एसिडिक या फिर एल्कलाइन जिसे बेसिक कहते हैं,
आर बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट या K2Cr2O7 से भी ये भी स्ट्रांग बेस है, या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड Cr2O5। ठीक, क्रोमियम ऐसा लेना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो इन एसिडिक मीडियम। ठीक, एसिडिक मीडियम से में अगर इसको आप लेते हैं तो इसी को जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए। जैसे अगर कहीं Cr3 प्लस अगर HCl लिख दिए जाए तो इसको आप जोन्स रिएजेंट कह देंगे। ठीक, तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा, इसका हाइड्रोलिसिस भी लास्ट में करवाएंगे तो ये आपका कार्बोक्जिलिक में चेंज हो जाएगा। ऐसे देखें ये 1 डेकेनॉल, डेकेन यानी 10 इसमें कार्बन है, तो जोन से रिएजेंट है। आप चाहे HCl लीजिए, चाहे H2SO4 लीजिए, एसिड कोई लेना है, वही दिया ना एसिडिक मीडियम, तो जोन से रिएजेंट ये कहा जाएगा। कोई भी एसिड ले लीजिए Cr3 के साथ, तो ये आपका डेकेनोइक एसिड बन जाएगा। कार्बो यही COOH, यही COOH में चेंज होगा CH2OH। ठीक, ये जानते रहिए। और ऐसे कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप लेकर के इसको कार्बोक्जिलिक में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, और देखते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन से भी आप कर सकते हैं, सिंपल है। ये देखिए, अगर यहाँ पर रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास एक भी अगर हाइड्रोजन है, जिसे आप यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ तो ये तो टॉलुइन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो बस आप KMnO4 बेसिक मीडियम लेकर हीट करिए और फिर एसिडिफिकेशन करवा दीजिए तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ऐसे ही सिंपल देखिए, यहाँ इस कार्बन को देखना होता है, ये वाला कार्बन, इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वही KMnO4 बेसिक मीडियम में लेकर हीट करिए तो आपको ये साल्ट बनेगा, फिर एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, सिंपल है। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइट, देखिए फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइट, नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप, साइनाइड जिसे आप कहेंगे। ठीक, और एमाइड यानी कि CONH2 ग्रुप, तो इसमें क्या करना होता है, नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड, नाइट्राइल पहले एमाइड में चेंज होगा। जैसे यहाँ देखें आप एसिडिक मीडियम, ये H+ ROH- मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम में आप वाटर के साथ इसको इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये पहले तो एमाइड में चेंज होगा और फिर वही एसिडिक बेसिक मीडियम में इसको हीट कर देंगे तो ये कार्बोक्जिलिक में चेंज हो जाएगा। ऐसे देखें यहाँ इथेनामाइड है, इसको भी आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करिए तो एथेनोइक एसिड में चेंज होगा। इसी तरीके से ये देखें बेंजामाइड है, बेंजामाइड को भी अगर आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करेंगे तो बेंजोइक एसिड में, बस यही ध्यान दें यही चेंज हो जाएगा। ऐसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये वेरी इजी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट देखिए रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में हो, ध्यान दें, टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। इसके साथ ग्रिगनार्ड का रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर प्रेजेंस में तो ये साल्ट बनेगा और फिर केवल हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये यहाँ से ब्रेक होकर वाटर का H इधर आएगा और OH इधर, तो H इसके साथ ऐड होते ही ये कार्बोक्जिलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वही बात है, ये सिंपल एकदम, कोई कुछ इसमें और नहीं करना। देखें नेक्स्ट है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से भी आप बना सकते हैं। जैसे एसाइल हैलाइड है वही RCOCl, COCl को आप एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड कहेंगे, वाटर लेंगे तो कार्बोक्जिलिक बन जाएगा, Cl लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा। ऐसे आप बेसिक मीडियम में वाटर लेते हैं तो इसका पहले तो वो बनेगा, इसके आयनिक आयन बनेंगे, वो भी आयन आयन, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तब जाके कार्बोक्जिलिक में चेंज होएगा। ऐसे बेंजोइक एनहाइड्राइड का भी आप करवाएंगे तो सिंपल बेंजोइक एसिड बनेगा।
और बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, देखें बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड का वो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। इजी है। एस्टर, एस्टर देखें, एस्टर में केवल आपको बस एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवा दें। देखें ये एस्टर है, एस्टर सी ओ ओ आर ग्रुप यहाँ ऐड है, वाटर एसिडिक मीडियम में लेकर आप बस रिएक्शन करवा दें। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, बोथ साइड हो जाता है, मतलब ये मिल करके फिर से ये बना सकते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड और इथेनॉल बना लिया है। ठीक, ऐसे देखें एथिल ब्यूटेनोट, एथिल ब्यूटेनोएट, ये आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको साल्ट बनेगा, फिर वही हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो कार्बोक्जिलिक में ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज होगा। सिंपल है ये। तो इस तरीके से यहाँ कुछ आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं, इनको चेंज करना है ना, तो ये आप कर लेंगे। और यहाँ ऑलरेडी देखें इसका सोल्यूशन भी दिया है, तो ये इसको आप अच्छे से देखिए। तो इस तरीके से यहाँ देखें आपका ये प्रिपरेशन फिनिश हुआ। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।